अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। देखिए कि जैसा आपको पता होगा कि एमआईएम उमरा की तरफ से एक ऐलान हुआ है कि हम लोग 13 तारीख से टोरेंट पावर के जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे, तो उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताया ही नहीं थी, आज हम यहाँ ऑफिशियली अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शाहीनबाग जहाँ पर हमारे शहर में बसा था बैठा था, वहाँ पर मैक कंपनी के सामने फायर ब्रिगेड के अपोजिट में, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला 13 तारीख से हम लोग 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और उसके जो लोग हमसे जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे। कौन कौन सी मांगों को लेकर है? देखिए हमारी टोटल मांग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इस बार मुख्य मांग जो है वो 7 मांगों को बनाया है। आपने हमारा हैंडबिल देखा होगा, हमने पहली मांग जो रखी है कि शील मुमरा कलवा में जो इसका टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको रद्द करें, क्योंकि आवाम इससे खुश नहीं है, तो वो हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो पीडी बकाया बता करके जो टोरेंट यहाँ पैसा वसूली कर रही है उसे रोका जाए। तीसरा, जो MSEDCL के वक्त जो अधिकारियों ने पीडी की थी, आज शहर से पीडी का पैसा है ना वसूला ना जाए, वो पहले अधिकारियों पे इंक्वायरी बिठाई जाए और वो दोषी पाए जाते तो उनको पहले उनपे केस बनाया जाए। हमारी चौथी मांग थी कि कस्टमर की मर्जी के बिना, आपने देखा होगा कि टोरेंट जगह जगह पे मीटर बदल रहा है, कंज्यूमर नहीं बदलना चाहता तब भी बदल रहा है, तो कंज्यूमर की मर्जी के बिना टोरेंट जो मीटर बदल रहा है वो बंद कर दिया जाए। हमारी पांचवी मांग है, अब तक जितने ग्राहकों के मीटर बदली किए गए हैं, आपने देखा हर ग्राहक हर कंज्यूमर मीटर बदलने के बाद रो रहा है कि हमारा यानी बिल बढ़कर आ रहा है और हमारा यानी जो यूनिट है बहुत फास्ट तेजी से गिर रहा है, तो जितने मीटर बदली गए उन सबको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनको अभी तक किसी को भी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दी गई है। हमारा छठा जो ग्राहक वो है, जो ग्राहकों से के पास बिजली मीटर नहीं थे तो तत्काल उनको मीटर दिए जाए, जिनको यानी पहले से मीटर नहीं थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि यानी ये लोग मीटर नहीं लगाए थे, ऐसे बहुत से अगर टोरेंट के पास कुछ है तो उनको पहले मीटर दिए जाए। और सातवां पॉइंट हमारा, जो बिजली ग्राहकों से यानी पीडी की वसूली अब तक की गई है जो ना हके, क्योंकि आपने 90s का पैसा वसूला है, जो गरीब ने घर लिया 2002 में, उसके बाद 2005 में फिर घर भी, अब 2012 से जो रह रहा उससे आप पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा रिटर्न किया जाए। क्या आप बाप का पैसा बेटे से नहीं वसूल सकते? ये तो पड़ोसी भी नहीं है, ये तो यानी जानने वाले भी नहीं, बस शुरू में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे ने खरीदा। कब तक की रहेगी ये आपकी भूख हड़ताल? देखिए ये हमारी मांग है, जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम भूख हड़ताल करेंगे। सर भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1992 के बारे में आपने कहा था अपने पिछले इंटरव्यू में कि जो पीडी अगर 2 साल से ज्यादा नहीं वसूली गई तो वो रद्द हो जाती है, वो गैर कानूनी है, तो 219 पेज का ये एक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी 2003 है, तो इस पेज में से वो चीज आपने कहा था कि आप वो लेकर पेश करेंगे, है आपके पास वो निकाला है? ये देखिए आप, ये मैंने अभी फिलहाल वो एक कोर्ट के ऑर्डर में से वो एक्ट को आपको बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का भी आपको भी दे देता हूँ, ऑर्डर मैं अंदर ड्रॉअर में रखा हुआ है, ये कोर्ट का है, उसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 56(2) जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कानून है 2003 का, जिसमें ऐसा नहीं है पीडी की बात नहीं, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता अगर कंज्यूमर को 2 साल तक कॉन्टेक्ट नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता उस मामला में, तो वो उससे बकाया नहीं वसूल सकता, जबकि उसको नई लाइन देना है, उसकी लाइन बंद नहीं करना, उसको लाइन चालू करना है, तो ये वो एक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी। भाई आप बोले कि हमारी मांग है, 5-6 मांग आपने बता दी, आपकी सबसे पहली मांग है कि टोरेंट को ही रद्द कर दिया जाए, और वही दूसरी तरफ आप जो है तो वो भी किनारे है कि मीटर जो है फटाफट लगाया जाए, फटाफट लोगों को और सब मुहैया कराया जाए। देखिए कैसे तो आप कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि नहीं, 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 मैं आपको नहीं नहीं देखो कैसा होता है ना कि जब यानी अगर हम लोग अभी बैठ रहे भूख हड़ताल पर, हमको पता है कि ये इतना पैसा सुना इतने 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 भ्रष्ट रहता हो, बोलो आप बोल रहे थे, बोलो सवाल होने पहले, एक तरफ आप रद्द करने की मांग कर रहे, दूसरी तरफ उसी कंपनी से आप तमाम सुविधाएं भी देने की बात कर रहे, सुविधा उसी कंपनी से देने की बात नहीं कर रहे, जब तक उसको रद्द नहीं करते, अगर अभी हम लोग ये बात करते और कोई अधिकारी हमको आके बोलता है कि भाई नीचे की 6 मांग पूरी कर देते, 7वीं के लिए बहुत बड़ा फैसला है, वो कैबिनेट बैठना पड़ेगा, सुनो मेरे को, मेरी बात सुनो ना, पहली ही मांग पूरी होनी, मेरी बात सुनो ना, कैबिनेट बैठेगा और ये होगा वो होगा नहीं, इसमें से 7 मांग में से जो भी मांग हमारी है वो सब पूरी होगी इंशाल्लाह ताला, और टोरेंट अगर उस वक्त नहीं हटता तो जब तक टोरेंट शहर में रहता जब तक ये सब चीजों पे रहे, हम तो वहां पर हमारा फॉर्म भी भर रहे, जो हम फॉर्म घर घर जाके भर रहे थे, हम बोले ना कि वहां आके भरे, हमको देरी हो रही फॉर्म भरने में, घर बिल्डिंग बिल्डिंग चढ़कर भरने में, तो वहां पर हम कंज्यूमर्स को बुला रहे, वहां पर फॉर्म भरेंगे, इंशाल्लाह हम कोर्ट से इसको रद्द करेंगे, अगर हमारी वहां मांग नहीं पूरी की गई
हम कोर्ट से गलत करेंगे। कोर्ट गए क्या अब तक स्टूडेंट के मामले में? अभी पहले फॉर्म तो बने, तो कोर्ट से हमने नोटिस वगैरह दिया है, नोटिस वगैरह दिया है हम लोगों ने। और आप इस चीज को समझिए कि एक इंडिविजुअल कोर्ट जाके कुछ नहीं कर सकता, इस वजह से हमने वो फॉर्म डिजाइन किया है और हम लोगों का कंसेंट ले रहे हैं। हमारे को जब पूरी तरीके से कंसेंट मिल जाएगा, हमको 50,000 कंसेंट मिल जाएंगे, तो हम उनके भी आप पे पीआईएन दाखिल करेंगे। लिए आपको कंपनी के खिलाफ कोई भी टेक्निकल पॉइंट चाहिए? आपके पास कुछ पॉइंट नहीं है क्या? देखिए, टेक्निकल पॉइंट चाहिए, आप टेक्निकल आधार पे उसको मैं कोर्ट बोलेगा ठीक है हम इसको सुधारने बोलते, और हमको पब्लिक का कंसल्ट चाहिए कि हमको ये चाहिए ही नहीं यहाँ। तो दोनों चीजें डिफरेंस है। टेक्निकल पॉइंट तो मैं अभी आपको इतने गिना रहा हूं, मैं उसके पॉइंट बता रहा हूं। मैं सर्वे किए थे, घर घर जाकर फॉर्म दे रहे थे, कितने फॉर्म सबमिट किया थे? 12,000 फॉर्म भरे हमारे पास। वो सब लेके जाइए ना कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहे? 12,000 से कुछ नहीं होगा, सुनिए आपको समझ रहा नहीं, 3 लाख कंज्यूमर है उनके, 3.5 लाख। तो आपने क्यों रोक दिया फिर वो सर्वे? रोका नहीं, फॉर्म भर रहे, आप पूरा बोलने देंगे तो समझेगा ना आपको। आप सुनिए, हम लोग घर घर जाके फॉर्म भर रहे, हमको हमने सोचा था कि 2 महीने में शायद हम पूरे कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे या एटलीस्ट हम 50,000 कंज्यूमर कर लेंगे। लेकिन जब हम घर जाते हैं ना, तो एक कंज्यूमर एक फॉर्म भरने के लिए 2 दिन लेता है, हमसे फॉर्म लेता है, हमको बोलता है कि भाई मैं भर के आपको देता हूँ, क्योंकि हम उनके हैंडराइटिंग में भर के ले रहे, तो उसमें 2 दिन टूट जा रहा है हमारा। इस वजह से अभी सिर्फ 10,000-12,000 हमारे वो हो गए। तो हमने ये सोचा कि भाई ये जब तक हमारा फॉर्म पूरा होगा, जो अभी आपका जवाब पूरा सुनिए, जो फॉर्म पूरा होगा तब तक यानी हम लोग इसकी मनमानी तो नहीं कर सकते। इस तरह तो ये पूरे मीटर्स बदल देगा, लोगों पे केसेस बना देगा, पीडी वसूली करेगा जबरन, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए हमने ये भूख हड़ताल रखी कि हमारा फॉर्म तो सातों साथ चलता रहेगा, हम इसको कोर्ट की लड़ाई लेके जाएंगे कोर्ट में, लेकिन जब तक हम वहां नहीं जाते जब तक इसके हाथ पैर तो थोड़ा रुका दे, नहीं तो ये तो पता चला जब तक क्या फायदा, हम कोर्ट पहुंचे तक पता चला यहाँ पर लोगों के पूरे मीटर बदल के उनसे बिल जबरदस्त वसूल रहा है, पीडी जबरदस्ती वसूल रहा है। इस वजह से हम लोगों ने ये भूख हड़ताल छेड़ी। लेकिन ये भी तो देखा गया कि किसी भी तरह के आंदोलन का टोरेंट पे कोई खास असर नहीं पड़ा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता नहीं वो जितने आंदोलन क्या हो रहे या जो भी हो रहे, मैं हम लोगों का टोरेंट अभी मैं भूख हड़ताल पे बैठा भी नहीं हूँ। कल टोरेंट ने मुझे लेटर भेजा है, उनके लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है कि भाई हम सैफ सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे साफ कहा कि भाई मैं मंडे से वहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा, आप वहाँ पर आके पब्लिक में मुझसे बात करिए। अब देखिए, टोरेंट ने मुझे लेटर दिया है, मैं आपको वो लेटर का जेरॉक्स दिखाता हूँ। ये टोरेंट ने मुझे कल लेटर भेजा है, टोरेंट उसमें मुझे लिख कर दे रहा है कि मैं किसी का मीटर जबरन नहीं बदल रहे, हम लोग पहले उनको लेटर दे रहे हैं, फिर उनके कंसर्ट से बदल रहे हैं। अभी आप बताइए ये सच है क्या? क्या टोरेंट यानी अगर मैं नहीं कंज्यूमर नहीं लगाना चाहता तो क्या टोरेंट नहीं मीटर बदल रहा है? टोरेंट जबरन मीटर बदल रहा है, मुझे वो लिख कर दे रहा है। इसके लिए मैं उसको पब्लिक के बीच में बुलाना चाहता हूँ। टोरेंट लिख रहा है, पीडी है, जो पीडी का पैसा हम लोग वसूल रहे वो हम बराबर वसूल रहे। आप मुझे बताओ, मेरे पास पीडी की माहिती आके पड़ी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बताया था, एक मिनट, ये मेरे को महावितरण लिख कर देता है, महावितरण लिख कर देता है। मेरा भूख हड़ताल बैठने का सबसे मेन रीजन ये है, ये महावितरण से आई माहिती है, वो महावितरण मुझे लिख के देता है। 398 करोड़ यानी 400 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ कम, 400 करोड़ ही पकड़ी आप, 400 करोड़ रुपया बकाया बाकी है हमारे पे सिर्फ उमरा शहर में, पूरे उस पे डिवीजन में। उसमें से उसने पहले बाइफरकेट करके जब पूछा तो उसने अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वर्बली मुझे अपने जो अधिकारी थोड़ा बहुत बात कर ले तो उनसे पता चला है कि कुछ 350 करोड़ मुमरा पे। तो आप मुझे बताया कि 350 करोड़ के लिए मैं अगर वो फॉर्म भरते तक का इंतजार करूंगा तो कितने लोग आज यानी परेशान है, कितने लोगों पे केसेस बन गए, ये जबरदस्ती का पैसा। अच्छा, 398 करोड़ हुआ कैसे? ये तो करने वाला उनका कोई अधिकारी था, पीडी तो हमारा कंज्यूमर जाके नहीं कर रहा था ना, पीडी करने वाला। तो हमारी मांग ये कि पीडी जिसके कार्यकाल में हुई, जो अधिकारी के, उस पे केस बनाओ, पहले उसकी इंक्वायरी करो कि पीडी हुई कैसे, इतनी ज्यादा पीडी हुई कैसे। क्योंकि मेरे पास एक केस है, अभी मेरे पास यानी आज सुबह में एक केस आया कि 91 का पीडी उससे मांगने आए टोरेंट वाले, कल बोले कि अगर तुम पीडी नहीं भरोगे तो हम तुम्हारा यानी मीटर नहीं देंगे तुम्हारे को। जब उसका 1991 का पीडी बता रहे उसको, और उसने घर खरीदा है अभी 2015 में। तो आप बताएं 91 में जो रहता था, जिसने पीडी किया उस वक्त के अधिकारी ने पीडी करवाया, उसके बाद उसको मीटर क्यों दिया गया? अब ये टोरेंट का मीटर अप्लाई करा के भाई मेरे को टोरेंट का मीटर दो, तो उसको बोला जा रहा है कि नया घर लेने का, कि नहीं तुम्हारे को यानी वो पीडी भरना पड़ेगा। तो क्यों भरेगा वो पीडी, 91 का पीडी ये बंदा क्यों भरेगा? सर भाई, ये जो आप लोग भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं, क्या पुलिस ने परमिशन दी है आप लोगों को? देखिए, कोई भी आंदोलन की परमिशन नहीं होती है, हमने वहाँ पर उनको इंटीमेट कर दिया है। 1 तारीख से जावेद भाई ने उनको लेटर दिया था कि हम लोग बैठेंगे भूख हड़ताल पे, मैंने 4 दिन पहले उनको लेटर दिया है, ये मेरा लेटर है, और मैंने सभी संबंधित विभाग को दिया है कि हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग बैठेंगे। जावेद भाई का लेटर बताओ, 1 तारीख को जावेद भाई ने लेटर दिया है और सभी विभाग को दिया है।
हमने परमिशन मांगी थी पंडाल की, अगर हमको पंडाल की परमिशन नहीं होगी हमको कोई इश्यू नहीं, हम जमीन पे बैठेंगे। इससे पहले भी 3 दिन की भूख हड़ताल आप लोगों के द्वारा की गई थी, तो उस वक्त भूख हड़ताल क्यों खत्म की गई थी? देखिए उस वक्त हमारी मांगनी पूरी कर दी गई थी, हमको आश्वासन दिया गया था। आपको याद होगा तो 2019 के जनवरी में फरवरी के फर्स्ट वीक में टोरंट शहर में आने वाला था, जब हमको मालूम पड़ा मीम उमरेकर के बैनर पे टोटल 17 लोग बैठे, उसमें से 14 लोग हमारी एमआईएम टीम के थे, हम लोगों ने भूख हड़ताल की। उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर थे इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा मंत्री के, वहां से वो पॉलिसी मेकर हमारे पास आए तीसरे दिन, उन्होंने हमसे बात की, हमको आश्वासन दिया कि हम टोरंट को नहीं आने देंगे, और जब भी टोरंट आनी होगी तो हम पहले पब्लिक मीटिंग रखेंगे, आप लोग से पहले पूछा जाएगा, आप या मुमरा के लोगों से पूछा जाएगा और जो जो विरोध में उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग यानी टोरंट को आने देंगे। लेकिन हुआ यूं कि वो थी उस टाइम की जो मौजूदा सरकार थी उससे आए थे, 2019 में असेंबली इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन में सरकार बदली, महाविकास अघाड़ी यानी पावर में आई, हमारे यहाँ के जो MLA थे वो उसके मंत्री भी बने, वो सरकार में गए और उन्होंने कहीं ना कहीं वो सरकार को मैनेज करके रात को टोरंट को रातों रात यहाँ पर 28 फरवरी की रात को 12 बजे टोरंट को शहर में ला दिया, सबको नजर बंद करके, जितने लोग विरोध में थे 17 जो हम बैठे थे, हमारे अलावा भी जो एहतजाज कर रहे थे कि टोरंट नहीं आना चाहिए, सबको पुलिस ने घरों पे नजर बंद करा था, इवन मेरे घर के ऊपर भी छावनी बना के मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो इस तरीके से टोरंट को रातों रात लाया गया। सैफ भाई आपको क्या लगता है कि आपके जो भूख आंदोलन कर रहे हो आप, तो उससे मुमरा की टोरंट के जो आप बोल रहे हो रद्द करने बोल रहे हो मुमरा में, तो आपको लगता है रद्द होगी आपके भूख आंदोलन से? देखो ये देश है ना आंदोलन पे ही बसा, जो अंग्रेज थे ना वो टोरंट तो उनकी कुछ भी नहीं लगती उनके सामने, लेकिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने हमको ये मार्ग दिखाया है, उन्होंने इसके जरिए सत्याग्रह के जरिए ऐसे भूख हड़ताल और ऐसे आंदोलनों के जरिए ही उसे यहाँ से खदेड़ के वापस कराए, तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हो कि नहीं होगा? सर भाई परेशानी तो सबकी है, और अभी हाल ही में शमीम खान साहब ने ऐलान किया था कि बड़ा आंदोलन करेंगे, वो जिसको आना है साथ में आ जाए, तो फिर भी अलग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए कि परेशानी तो सबकी है ना, मेरी बात सुनिए ना, टोरंट सबकी परेशानी है, लेकिन NCP तो कहीं ना कहीं उसके फेवर में थी, अब जब उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है तब NCP ये बात करिए आप, और NCP की कौन सी बात का भरोसा करते हो आप? NCP यहाँ पर अभी टोरंट को अपना विरोधक बता रही है, उसी तरीके से बोलती थी भाजपा हमारे विरोधक है, अभी नागालैंड में क्या हुआ, सरकार उनकी बन रही थी वहां पर भाजपा की, फिर भी ये समर्थन देके गए ना, डबल झूठने के लिए कहेंगे आप अपने साथ? नहीं मैंने तो ऐलान किया है भाई कि इस शहर से जो मेरी भूख हड़ताल में अपना